हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सीएससी पटियाला। आज दी इस वीडियो विच मैं तुहानू आयुष्मान भारत स्कीम बारे दसांगा किहड़ा व्यक्ति आयुष्मान भारत लई योग है, उसनू किवें सर्च करना है, स्टेप वाइज स्टेप तुहानू सारी कैटेगरीज वाइज सर्च करना, चाहे व्यक्ति राशन कार्ड होल्डर होवे, चाहे जे फार्मर होल्डर होवे, चाहे उसदे कोल लाल कापी होवे, ट्रेडर आईडी, हर एक तरीके नाल सर्च करना। सब तो पहला तुसीं गूगल उत्ते सीएससी लॉगिन सर्च कर लेना है। सीएससी लॉगिन सर्च करन तो बाद तुसीं सीएससी दी साइट उत्ते जाने लई डिजिटल सेवा पोर्टल उत्ते क्लिक करोगे। डिजिटल सेवा पोर्टल उत्ते क्लिक करन तो बाद अपनी जिहड़ी सीएससी आईडी नूं लॉगिन करन लई लॉगिन उत्ते क्लिक करोगे। सीएससी आईडी पासवर्ड भरन तो बाद तुहानू डिजिटल सेवा पोर्टल का डैशबोर्ड दिखेगा, जिथे तुसी सर्च बार दे विच आयुष सर्च करना है, AYUSH। इस तरह तुहानू चौथे नंबर ते आयुष्मान भारत स्कीम दिखाई देवेगी, तुसी उस उत्ते क्लिक कर देना है। आयुष्मान भारत स्कीम उत्ते क्लिक करन तो बाद तुहाडी सीएससी आईडी वेरीफाई होएगी, तुसी कन्फर्म सीएससी आईडी ते प्रोसीड ते क्लिक कर देना है, जेकर थोड़ी आयुष्मान भारत दी सर्विस एक्टिवेट है। क्लिक करन तो बाद वीएलई दा जेड़ा फिंगरप्रिंट होएगा, एग्री उत्ते क्लिक करके स्टार्ट कैप्चर ते क्लिक कर देना है। इस तो बाद तुसी देखोगे कि थोड़ा आयुष्मान भारत दा पोर्टल खुल चुका है। वेबसाइट ते कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, सब तो पहला सर्च बेनीफिशरी, अप्रूव्ड बेनीफिशरी, पेंडिंग बेनीफिशरी अते रिजेक्टड बेनीफिशरी। सब तो पहला मैं थोनू सर्च बेनीफिशरी बारे दसांगा, जिस दे राही तुसी व्यक्ति दा डाटा सर्च करना है अते उसका कार्ड अप्लाई करना है, इसलिए तुसी सर्च बेनीफिशरी उत्ते क्लिक कर दो। सर्च बेनीफिशरी उत्ते क्लिक करन तो बाद थोनू इत्थे तीन ऑप्शन दिखाई देणगे, स्कीम PMJAY, ठीक है जी। उस तो बाद सिलेक्ट स्टेट पंजाब अते सर्च पैरामीटर, चेंज स्टेट उत्ते क्लिक करके उसका स्टेट सिलेक्ट करके, जिहड़ा भी उसका स्टेट है तां चेंज स्टेट करके उसका कार्ड बना सकते हो। इस तो बाद सर्च पैरामीटर दे विच तुहानू सिलेक्ट दिखाई देवेगा, तुसी सिलेक्ट उत्ते क्लिक कर देना है। सिलेक्ट उत्ते क्लिक करन तो बाद तुहानू दिखाई देणगे कुछ ऑप्शन, जिस तरह ही तुसी व्यक्ति का जिहड़ा डाटा सर्च करना है। सब तो पहला मोबाइल ADCD, राशन कार्ड ADCD, HHID, बाय SCCC नेम, NFSA राशन कार्ड, जर्नलिस्ट ID, ट्रेडर ID, फार्मर ID अते कंस्ट्रक्शन वर्कर ID। सब तो पहला मोबाइल ADC बारे दसांगा, मोबाइल ADCD दे विच 2011 तो पहला जिन्हां दे पुराने राशन कार्ड बने हुए हैं वह व्यक्ति रजिस्टर हैं, उन्होंने उस टाइम राशन कार्ड बनाने वेले जिहड़ा मोबाइल नंबर दिता सी तां तुसी वह मोबाइल नंबर भर के सर्च कर सकते हो, तो जिहड़ा वह व्यक्ति का डाटा इत्थे तुहानू शो कर जाएगा। सैकेंड नंबर है राशन कार्ड ADCD, राशन कार्ड ADCD भी जिहड़े पुराने राशन कार्ड हैं जिहड़े चिट्टे रंग के होंदे सी, जिन्हां ते राशन कार्ड नंबर हुंदा सी, जिवें तुहानू एग्जाम्पल दवां 1224, 500 कार्ड या 191, तो तुसी वो राशन कार्ड भर के भी इत्थे व्यक्ति की डिटेल सर्च कर सकते हो। इस दे विच जिहड़े मेन ने वो तीन ऑप्शन ने, NFSA राशन कार्ड, फार्मर ID अते कंस्ट्रक्शन वर्कर ID। NFSA दे विच तुहानू राशन कार्ड होल्डर मिलणगे जिन्हां दे नवें राशन कार्ड बने हुए हैं या जिन्हां दे नीले बादल वाले राशन कार्ड बने हुए हैं। फार्मर ID दे विच किसान आते हैं जिन्होंने अपना फार्मर ID रजिस्टर करवाई हुई है। कंस्ट्रक्शन वर्कर ID दे विच जिन्हों की भी लाल कापी आई हुई है। NFSA राशन कार्ड सर्च करन दे लई तुसी इत्थे राशन कार्ड का जिहड़ा नंबर वो फिल कर देना है, जिहड़ा कि 03000 तो स्टार्ट हुंदा है। राशन कार्ड नंबर भरन तो बाद सर्च उत्ते क्लिक कर देना है। सर्च उत्ते क्लिक करन तो बाद उस राशन कार्ड दे विच जिन्ने भी मैंबरां दे नाम हन ओह तुहानू शो कर जाणगे, अते हरेक नाम दे अगे SCCC सर्च दा ऑप्शन दिखाई देवेगा, तुसी जिस भी व्यक्ति दा कार्ड बनाना है उस दे नाम दे सामने SCCC सर्च ते क्लिक कर देना है। SCCC ते क्लिक करन तो बाद तुहानू उस व्यक्ति दी डिटेल दिखाई देवेगी,
उस दे विच तुसीं डिस्ट्रिक जिहड़ा वो भर देना है जिस भी डिस्ट्रिक नाल वो संबंध रखता है। डिस्ट्रिक भरन तो बाद तुसीं सर्च उत्ते क्लिक कर देना है। अगर नो रिकॉर्ड फाउंड आउंदा है तो तुसीं सर्च बटन उत्ते दो बार क्लिक करोगे अते कंटिन्यू उत्ते क्लिक कर दोगे। कंटिन्यू उत्ते क्लिक करन तो बाद थानू इत्थे व्यक्ति दी डिटेल दे नीचे सिलेक्ट आईडी टाइप आधार दिखाई देवेगा तो तुसी उस उत्ते क्लिक कर देना है अते उस तो बाद वेरीफाई करन लई यस एग्री ते क्लिक करना है। उस तो बाद एग्री करना है अते उस व्यक्ति दा मोबाइल नंबर भरना है। उस तो बाद थानू सिलेक्ट टाइप दिखाई देगा जिस दे विच सेल्फ फैमिली अते अदर्स दिखाई देगा। जेकर तुसी सेल्फ सिलेक्ट करदे हो तां जिहड़ा मोबाइल नंबर तुसी भरिया है उस उत्ते ओटीपी जाएगा। जेकर तुसी फैमिली सिलेक्ट करदे हो तां ओटीपी नहीं जाएगा। उस तो बाद थानू सिलेक्ट ऑथेंटिकेशन टाइप दिखाई देगा जिस विच तुसी सिलेक्ट मोड उत्ते क्लिक करना है। जेकर व्यक्ति का आधार कार्ड नाल मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो तुसी फिंगरप्रिंट लगवा के उसका आयुष्मान अप्लाई कर सकते हो। जेकर किसी का फिंगरप्रिंट भी नहीं आता तो सैकेंड नंबर आयरस का है जो कि अखा स्कैन करके तुसी आयुष्मान कार्ड बना सकते हो। जेकर उसका आधार नाल मोबाइल नंबर लिंक है तो तुसी आधार ओटीपी करके जिहड़ा उसका कार्ड ओटीपी लेके बना सकते हो। मैं तुहानू आधार ओटीपी राही कार्ड बनाना दसांगा। आधार ओटीपी उत्ते क्लिक करन तो बाद तुसी उस व्यक्ति का आधार नंबर इत्थे पा देना है जिसका तुसी कार्ड बनाना है। आधार नंबर पाने तो बाद तुसी कैप्चा भर देना है। कैप्चा भरन तो बाद वेरीफाई उत्ते क्लिक कर देना है। वेरीफाई उत्ते क्लिक करन तो बाद तुसी जनरेट ओटीपी कर देना है। जेकर उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर लिंक है तो थानू इत्थे आइकन दिखाई देवेगा सेंड ओटीपी टू मोबाइल नंबर तो थानू मोबाइल नंबर के लास्ट चार डिजिट भी दिख जाएंगे। जेकर उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो थानू इत्थे आइकन शो करेगा कि सेंड ओटीपी टू नल। नल का मतलब है कि उस व्यक्ति का आधार कार्ड नाल मोबाइल नंबर नहीं लिंक है पर तुसी उसका फिंगरप्रिंट लगवा के कार्ड अप्लाई कर सकते हो। उस तो बाद थानू एड परसनल डिटेल दे विच फैमिली डिटेल्स दिखेगी जिथे तुसी फैमिली डिटेल आईडी टाइप ते क्लिक कर देना है। इत्थे थानू चार ऑप्शन दिखाई देंगे NFSA राशन कार्ड गवर्नमेंट सर्टिफाइड लिस्ट ऑफ मैंबरस या सैल्फ फैमिली डिकलेशन फॉर्म। जेकर तुसी NFSA राशन कार्ड नंबर के थ्रू आयुष्मान कार्ड बना रहे हो तो तुसी इत्थे NFSA राशन कार्ड सिलेक्ट करके इत्थे जिहड़ा राशन कार्ड का नंबर भर देना है। जेकर तुसी लाल कापी जिहड़ी कि कंस्ट्रक्शन वर्कर आईडी हुंदी है उस दे थ्रू कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो तुसी गवर्नमेंट सर्टिफाइड लिस्ट सिलेक्ट करके इत्थे लाल कापी का नंबर पा के चैक डॉक्यूमेंट ते क्लिक कर दोगे। तो बाद जेकर तुसी जे फॉर्म या किसी भी होर तरीके नाल आयुष्मान कार्ड अप्लाई कर रहे हो तो तुसी उरे सैल्फ डिकलेरेशन का फॉर्म कर देना है। जेकर तुसी फार्मर आईडी दे थ्रू कर रहे हो तो भी तुसी सैल्फ डिकलेरेशन फॉर्म भरना है। सैल्फ डिकलेरेशन जिहड़ा फॉर्म है वह परिवार के मुखी वालों भरया जाएगा तो उसके नीचे उसकी फैमिली मैंबर की डिटेल आ जाएगी। प्रूफ के विच तुसी जिहड़ा है परिवार के मुखी का पैन कार्ड या पासपोर्ट लगा सकते हो। सैल्फ डिकलेरेशन फॉर्म सिलेक्ट करन तो बाद तुसी इत्थे राशन कार्ड का नंबर भर देना है। राशन कार्ड का नंबर भरन तो बाद इत्थे थोड़े तो फैमिली डॉक्यूमेंट फोटो फ्रंट फैमिली डॉक्यूमेंट फोटो बैक मंगेगा। जेकर तुसी राशन कार्ड के थ्रू कार्ड बना रहे हो तो तुसी राशन कार्ड की इत्थे फोटो नहीं अपलोड करनी। राशन कार्ड की जगह तुसी AEDPS जिहड़ी गवर्नमेंट की साइट है वह सर्च करोगे। AEDPS पंजाब जिहड़ा फस्ट लिंक है इस उत्ते क्लिक करोगे। लिंक उत्ते क्लिक करन तो बाद बेनीफिशरी डिटेल लैफ्ट साइड पर क्लिक करोगे अते SRC नंबर दे विच राशन कार्ड का नंबर भर दोगे। राशन कार्ड नंबर भरन तो बाद सबमिट उत्ते क्लिक कर देना है। हुण तुसी देखोगे कि जिहड़ा राशन कार्ड तुसी नंबर सर्च किया है तो इत्थे उसके परिवार की सारी फैमिली की डिटेल आ गई है। इत्थे तुसी कुछ नहीं करना, बस ये जिहड़ी स्क्रीन है
इस पूरी स्क्रीन का प्रिंट स्क्रीन या स्निपिक टूल के थ्रू स्क्रीनशॉट लैके वो इत्थे ब्राउज कर देना है। ब्राउज करन तो बाद अपलोड फैमिली डॉक्यूमेंट उत्ते क्लिक कर देना है। तुसी देखोगे कि डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। इस तो बाद तुसी उस दे परिवार दे किसी भी फैमिली मेंबर दा इत्थे नाम जिहड़ा वो टाइप कर देना है। अते सबमिट फैमिली डिटेल उत्ते क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट बटन उत्ते क्लिक करन तो बाद जिहड़ा तुहाडा कार्ड है ये अप्लाई हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड के व्यक्ति की योग्यता चैक करने लिए तुसी एक होर वैबसाइट का प्रयोग कर सकते हो जिहड़ी कि पंजाब गौरमेंट की है, SHA पंजाब साइट उत्ते जाके तुसी फस्ट लिंक स्टेट हैल्थ एजेंसी पंजाब उत्ते क्लिक कर देना है। क्लिक करन तो बाद थोनू एक पॉपअप दिखाई देवेगा, तुसी उसनू कट कर देना है। कट करन तो बाद जेकर तुसी स्क्रोल डाउन करोगे तो थोनू इत्थे दिखाई देवेगा कि मेरा परिवार आयुष्मान भारत के शामिल है, तो तुसी इस उत्ते क्लिक कर देना है। इस उत्ते क्लिक करन तो बाद तुसी इत्थे राशन कार्ड का नंबर, जर्नलिस्ट आई डी, फार्मर आई डी या पैन नंबर पा के सर्च कर सकते हो या सिर्फ कस्टमर का आधार नंबर पा के भी सर्च कर सकते हो। आधार नंबर पाने तो बाद तुसी कैप्चा भरना है अते सर्च उत्ते क्लिक कर देना है। जेकर उस व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड के विच रिकॉर्ड होएगा तो थोनू इस उत्ते शो कर जाएगा कि तुसी उसका किस दे थ्रू जिहड़ा कार्ड बना सकते हो। जिवें तुसी देख रहे हो कि आपां एक बेनीफिशरी का सर्च किया है तो इन्हां दा कंस्ट्रक्शन वर्कर की आई डी जिहड़ी चक्की है तो कंस्ट्रक्शन वर्कर की आई डी थोनू शो भी हो गई है। तो तुस इस आई डी नोट करके जिहड़ा CSC दे विच सर्च ऑप्शन ते जाके जेकर उस व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड के विच रिकॉर्ड नहीं होया तो तुसी जिवें स्क्रीन पर देख रहे हो तो इस उत्ते रिकॉर्ड नोट फाउंड का जिहड़ा वो एरर आ जाएगा, जिसका मतलब होएगा कि वह व्यक्ति जिहड़ा आयुष्मान कार्ड बनाने लई योग नहीं है। तो इत्थे एक मैं तुहानू ध्यान रखने योग गल दसांगा कि जेकर किसी व्यक्ति का राशन कार्ड भी बनया होया है अते उस व्यक्ति की लाल कापी भी बनी हुई है तो जेकर तुसी राशन कार्ड के थ्रू उसका डाटा सर्च करोगे तो राशन कार्ड के थ्रू जिहड़ा उसके सर्च बेनीफिशरी के विच थोनू रिकॉर्ड नहीं फाइंड होएगा तो उसका लाल कापी के थ्रू ही आयुष्मान कार्ड बनेगा। इस तरह जेकर तुसी सैल्फ डिकलेरेशन फॉर्म कर रहे हो तो जिवें असी राशन कार्ड की फोटो अपलोड की है तो तुसी सैल्फ डिकलेरेशन फॉर्म जिहड़ा वो स्कैन करके या उसकी क्लीयर फोटो खिंच के 200 KB तो घट साइज रख के उसनू अपलोड कर देना है। इत्थे उसकी फार्मर आई डी या जिस भी चीज़ के थ्रू तुसी अप्लाई किया है तो वह नंबर पूरे भर देना है। राशन कार्ड तो बाद थोनू फार्मर आई डी राही सर्च करना दसांगा। फार्मर आई डी सर्च करन दे लई तुसी नीचे दिता होया नोट जिहड़ा वह चंगी तरह पढ़ लेना है कि जेकर तुसी फार्मर आई डी राही सर्च करना है तो फार्मर आई डी लई तुसी किवें फार्मर आई डी नूं बनाना है। जिहड़ी चीज़ मैं थोनू मैनशन कर रहा हाँ ब्लू कलर दे विच वो फार्मर आई डी क्रिएट करन दा फार्मूला है। फार्मर आई डी क्रिएट करन तो बाद तुसी इत्थे फार्मर आई डी भर देनी है अते सर्च बटन उत्ते क्लिक कर देना है। थोनू उसे तरह नाम शो कर जाएंगे अते तुसी SCCC ते क्लिक करके बाकी जिहड़ा प्रोसैस वो सेम रहेगा। सर्च बेनीफिशरी वाला फस्ट ऑप्शन कंप्लीट करन तो बाद असी हुण आने आ सैकेंड ऑप्शन अपरूवड बेनीफिशरी। अपरूवड बेनीफिशरी दे विच जेकर तुसी क्लिक करोगे तो इत्थे थोनू जिहड़े आ दो ऑप्शन दिखाई देणगे, होम स्टेट अते आउटसाइड स्टेट। होम स्टेट दे विच जिहड़े तुहाडा स्टेट होएगा, जेकर तुसी जिहड़ा भी तुहाडा होम स्टेट होएगा पंजाब हरियाणा तो तुहाडे वह होम स्टेट दे कार्ड दिखाई देणगे अते आउटसाइड स्टेट जेकर तुसी अपनी स्टेट तो किसी बाहर दी स्टेट दे बंदे दा कार्ड बनाया है तो वह कार्ड दिखाई देंगे। इस दे लई तुसी होम स्टेट उत्ते क्लिक कर देना है। होम स्टेट उत्ते क्लिक करन तो बाद तुसी कार्ड कि तरीक नूं अपलाई किया सी वह तरीक तो लैके किहड़ी तरीक तक के जिहड़े तुसी अपरूवड कार्ड की डिटेल लैनी है वह डेट सिलेक्ट करके सबमिट उत्ते क्लिक कर देना है। इस तरह पेंडिंग कार्ड जेकर थोड़ा कार्ड अपरूवड विच नहीं शो हो रहा तो तुसी पेंडिंग दे विच जिहड़ा वो चैक कर सकते हो होम स्टेट वाला अते आउटसाइड स्टेट वाला। इस दे लई भी तुसी जिहड़ा है कि वह डेट सिलेक्ट करके अते किहड़ी डेट तक के तुसी कार्ड चैक करने हन वह डेट सिलेक्ट करके सबमिट उत्ते क्लिक कर सकते हो।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੀ ਅਪਰੂਵਡ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਰਿਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ SHA ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲੇਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ CSE ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।